नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पे। और देखिए, मैं पतंजलि फेज़ वन आया हूँ। तो यहाँ भी जो है आया था, वैसे मैं लंच करने आया था, तो मैंने लंच कर लिया है। और देखिए, अब मैं आपको जो है पतंजलि फेज़ वन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए, ये कैंपस जो है ये आपका पतंजलि फेज़ वन है। और देखिए, यहाँ जो है स्वामी रामदेव का जो है बहुत बड़ा जो है मेगा स्टोर जो है आपका, देखिए ऊपर देखिए पतंजलि परिधान का भी देखिए बोर्ड लगा है, और देखिए पतंजलि मेगा स्टोर। तो जनरली जैसे जो मॉल होते हैं, ये जस्ट लाइक अ मॉल की तरह है। और वहाँ इनके सारे जो है पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, इवन पतंजलि के क्लोथ भी आपको यहाँ जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो जनरली जो है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ आपके जो है पतंजलि ब्रांड के जो है आपको क्लोथ भी जो है आपको अंदर जो है मिल जाएंगे। भाई, मैं आपको कुछ और इसका जो है व्यू दिखा दूँ। ये बहुत ही बड़े कैंपस में है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। आइए कहीं और चलते हैं। देखिए, ये पतंजलि का जो है आयुर्वेद हॉस्पिटल है, ये पतंजलि फेज़ वन है। तो पतंजलि फेज़ वन में जो है वैसे कोई भी आ सकता है। और यहाँ जो है आप आइए, अपना जो है पर्चा बनवाइए, और इसके बाद जो भी है डॉक्टर आपको जो है रिकमेंड करेंगे, इसके बाद फिर आपको जो है रूम मिलेगा। तो यहाँ मैंने पता किया था तो रूम बता रहे थे कि अगर मिनिमम कम से कम जो है 2500 रुपये आप मान के चलिए, कि 2500 रुपये पर डे के हिसाब से। तो उसी में आपका फूडिंग, एकोमोडेशन और ट्रीटमेंट, वो तीनों आपका रहेगा। तो ये आपका पतंजलि फेज़ वन का हॉस्पिटल। और दोस्तों, ये देखिए, ये है आपका जो है दाना पानी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये जो है इसके अंदर जो है आपका रेस्टोरेंट है। और चलिए आइए, वहाँ चली चलते हैं। और वैसे लंच तो मैंने कर लिया है, लेकिन चलिए मैं आपको एक बार जो है दिखा देता हूँ। देखिए, ये उसका रास्ता है, और यहाँ आपको जो है ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और सही है, एक रीज़नेबल प्राइस भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इंसान जो है इसे अफोर्ड कर सकता है। देखिए, आपको मैं इसका जो है फ्रंट का, देखिए मैं आपको इसका व्यू जो है दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है अन्नपूर्णा के नाम से, अन्नपूर्णा, और दाना पानी जो है रेस्टोरेंट इसका नाम है अन्नपूर्णा के नाम से। फ़िलहाल ही आपका ये है, तो इसमें आपको जो है सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी। आपको जो है लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, और मिठाइयाँ हैं, सारी चीज़ें आपको इसे मिल जाएंगी। चलिए आइए कहीं और चलते हैं। ये हैं महर्षि चरक। और देखिए, पहले देखिए इनके बारे में, देखिए आप पढ़ लीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए, महर्षि चरक जो है इनका टाइम पीरियड जो है बताया जा रहा है ईसा से जो है 200 वर्ष पूर्व। तो 200 वर्ष पूर्व जो है ये थे। और देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि महर्षि चरक ने विचरण की ऋषि परंपरा का पालन कर विश्व भर में भ्रमण किया, तथा अपने अनुभवों को सुदृढ़ आधार देकर काय चिकित्सा के महानतम ग्रंथ चरक संहिता के रूप में विश्व को आरोग्य प्राप्ति हेतु अनुपम उपहार दिया। ये महर्षि चरक जो है, टाइम पीरियड इनका जो है 200 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये देखिए, ये हैं महर्षि चरक, बहुत बड़ी इनकी प्रतिमा है महर्षि चरक की। ऐसे ही जो है यहाँ दो प्रतिमाएं और हैं, तो आइए मैं आपको उनके पास भी लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए, ये है महर्षि सुश्रुत। तो आइए इनको भी जो है जूम करके देखिए, मैं आपको इनका बोर्ड दिखाता हूँ। देखिए बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो है महर्षि सुश्रुत के बारे में जो है, देखिए शल्य चिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सुश्रुत के रचनाकार महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में मानव पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा भी महर्षि सुश्रुत की ही देन है। यानी कि ये जो सर्जरी जो आपकी जो होती है, आज की डेट में जो सर्जन जो होते हैं, चाहे आपकी एनी टाइप ऑफ सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, किसी टाइप की भी सर्जरी, तो फाउंडिंग ऑफ फादर ऑफ सर्जरी जो है ये महर्षि सुश्रुत को जो है कहा जाता है। और इनका देखिए, इनका टाइम पीरियड है 1500 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसा काल से 1500 पूर्व जो है ये थे। और इनका भी जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है।
ये देखिए, ये इनकी प्रतिमा। तो स्वामी रामदेव ने जो है इनकी प्रतिमा बनवा कर जो है इनको एक बहुत बड़ा जो है सम्मान दिया है। और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आज की डेट में इनके बारे में जानते होंगे। जो मेडिकल लाइन में हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन एक आम आदमी के बीच ये बहुत कम पॉपुलर हैं, महर्षि सुश्रुत जो है। तो आप भी जो है इनको पढ़ लीजिए ध्यान से। सो दोस्तों ये देखिए, ये है महर्षि पतंजलि की जो है प्रतिमा। तो आइए देखिए, इसके बगल में देखिए इनका भी देखिए बोर्ड लगा है। और देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से जो है इसे पढ़ सकें। देखिए इनके बारे में देखिए डिटेल्स देखिए लिखी है। देखिए पढ़ा जाए, महर्षि पतंजलि। तो ये महर्षि पतंजलि जिनके नाम पे जो है स्वामी रामदेव ने अपना जो ये संस्था जो है अपनी जो है जिसका रजिस्ट्रेशन जो करवाया है। तो इनके बारे में देखिए लिखा है, योग सूत्र के रचनाकार। देखिए महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एवं अष्टांग योग संबंधी उत्कृष्ट ग्रंथ योग सूत्र अपने सरल किंतु अत्यंत गूढ़ एवं विस्तृत अर्थों से युक्त सूत्रों के कारण जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने इस महान ग्रंथ की रचना संसार को अष्टांग योग द्वारा समाधि के आनंद की प्राप्ति हेतु क्रियात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिए की है। तो महर्षि पतंजलि ऑथर ऑफ द योग सूत्र ये आपका है। तो इनका जो है ये बहुत बड़ा इनका जो है योगदान है महर्षि पतंजलि का। इनका टाइम पीरियड तो इसमें नहीं लिखा है कि ये इनका क्या टाइम पीरियड है, और जैसा भी हो तो आप लोग एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा। और देखिए अगर हो सका तो मैं भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है सर्च करके मैं डाल दूंगा, क्योंकि इसमें इनका टाइम पीरियड नहीं लिखा है कि ये आज से कितने 100 साल ये पहले थे। तो आइए चलिए कहीं और चलते हैं। सो दोस्तों देखिए एक बार मैं आपको इसका जो है गार्डन देखिए दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही बड़ा देखिए ये है, और ये जो है देखिए ये बहुत ही बड़े कैंपस में है। इवन इसके अंदर जो है आपको SBI की ब्रांच भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आपको कई बैंकों के ATM भी आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं आपको, आपको कुछ परचेजिंग करनी है, रेस्टोरेंट है, खाना पीना खाना है, तो सारी फैसिलिटीज़ आपको देखिए। इवन देखिए एक तो ई रिक्शा भी देखिए अंदर तक आ गया, तो सारी सुविधा है। और देखिए बस जो है यहाँ से अब जो है बाहर निकलेंगे तो ये आप जो है आप हाईवे रोड पर आप आ जाएंगे। ऊपर देखिए फ्लाईओवर है, और क्योंकि इस समय सावन का वक्त चल रहा है तो कांवड़िए जो है हज़ारों की संख्या में कांवड़िए जो है यहाँ देखिए आए हुए हैं, देखिए विश्राम कर रहे हैं। आइए देखिए मैं आपको इसका जो है बाहर से जो है मैं आपको इसका फ्रंट गेट दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये देखिए, ये है पतंजलि योगपीठ जो है फेज 1। ये आपका जो है ये इसका देखिए ये इसका मेन गेट है। और अभी देखिए मैं अंदर था तो अंदर से ही अभी हम लोग जो है बाहर चलते हुए आए हैं। तो यहाँ से जो आप जाएंगे तो ये आपकी ये एंट्री है। यहाँ आपको जो ऐसे जाएंगे तो बाहर जो है गार्ड बैठे रहेंगे, और गार्ड जनरली वैसे पूछते हैं कि कहाँ आपको जाना है, बाकी वैसे कोई भी आ जा सकता है, एंट्री यहाँ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इनके स्वामी रामदेव के देखिए बहुत सारे इनके जो है देखिए इनका देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। देखिए थोड़ा सा देखिए मैं जूम करता हूँ, जूम करके देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पतंजलि योगपीठ के देखिए कितने सारे देखिए इनके सेंटर्स चलते हैं। इनका देखिए पतंजलि विश्वविद्यालय है, पतंजलि स्नातकोत्तर आयुर्वेद है, आचार्य कुलम है, पतंजलि गुरुकुलम है, वैदिक गुरुकुलम है, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल है, पतंजलि योगपीठ जो है फेज 2 है, भारत स्वाभिमान मुख्यालय है, पतंजलि अनुसंधान संस्थान है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, संत रविदास लंगर है, पतंजलि गौशाला फॉर्म है, योगग्राम है, निरामयम है। लगभग आधे हरिद्वार रामदेव के ही जो है सेंटर्स और यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, लगभग पूरे आधे हरिद्वार में जो है स्वामी रामदेव ही छाए हुए हैं। अब दोस्तों देखिए इसके बाहर जैसे ही देखिए आप लोग निकलेंगे तो देखिए ये जो है ये आपका जो है ये हाईवे है, और देखिए यहाँ जो है कांवड़िए जो है क्योंकि इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है तो कांवड़िए जो है हज़ारों की संख्या में कांवड़िए जो है यहाँ जो है बैठे हुए हैं, कांवड़ यात्रा चल रही। और ये देखिए मतलब इतनी संख्या है कि आपको जो है इनका जो है पूरा एक रास्ता इन्हीं के लिए दे दिया गया है, पूरे रास्ते को पूरा 1-way कर दिया गया है। देखिए ये सारे जो है कांवड़िए,
हजारों की संख्या, मतलब इतनी संख्या इनकी है कि आप इनको गिन नहीं सकते। 24 आवर्स जो है पूरा रास्ता पूरा इन्हीं से जो है भरा रहता है। सो आइए कहीं और चलते हैं दोस्तों। आइए मैं आपको जो है देखिए कांवड़ियों के जो है दर्शन कराता हूँ। देखिए कांवड़िए, देखिए गंगा जल जो है ये हरिद्वार से जो है गंगा जल भर के जो है ये ला रहे हैं, और ये जाएंगे अपने जहाँ भी इनको शिव मंदिर है कहीं भी जो है शिवलिंग पे जो है चढ़ाने के लिए। कोई काशी विश्वनाथ पे चढ़ाएगा, कोई अपने घर परिवार अपने घर के अपने शिवलिंग पे चढ़ाएगा, जहाँ भी इनको जाना है डिफरेंट जगह जो है। ये देखिए लाइन से, देखिए इनकी, देखिए कांवड़ देखिए रखी हुई है लाइन से। समय वैसे जो है दोपहर का वक्त है तो इसलिए बहुत सारे कांवड़िए जो है अपना जो है, ये देखिए सामने ये फ्लाईओवर है, पुल है, तो उसी पुल के नीचे जो है अपना ये आराम कर रहे हैं। और कुछ जो है अपना जो है कुछ को देखिए अपना जो है पैदल कुछ अपना चल भी रहे हैं। देखिए कांवड़िए, देखिए कितना पतला दुबला सा है, और देखिए पता नहीं कितना लीटर जो है गंगा जल लिया है। ये पहुँच भी पाएगा या नहीं बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए ये कांवड़िया, देखिए देखिए लाइन से फिलहाल देखिए इनके जो है गंगा जल जो है देखिए रखे हुए हैं। इनकी हिम्मत को वैसे जो है सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि 200-300 किलोमीटर ये जो है ये पैदल जो है इतना भारी जो है इतना कलश जो है ये गंगा जल लेकर जो है ये जा रहे हैं जो है भगवान शंकर के ऊपर जो है चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पे चढ़ाएंगे ये। तो इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो समझ लीजिए ये जो है 24 घंटे ये जो है इनका रहता है। रात को 1-2 बजे 24 आवर्स आपको पूरी सड़क जो है इन्हीं कांवड़ियों से ही भरी हुई है। तो बस अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो आइए चलिए अब वहाँ चलते हैं। सो दोस्तों देखिए अब मैं जो है पतंजलि फेज़ वन से अब मैं अपने होटल में आ गया हूँ। इस होटल मैंने रूम लिया है, तो अब मैं आराम से जो है अपने बेड पे जो है बैठा हूँ, और इस वीडियो का एंड मैं जो है यहीं करूँगा। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको जो है पतंजलि फेज़ वन जो है पूरा दिखाया, और जो कांवड़िए जो रास्ते में जो चल रहे हैं उनके भी मैंने आपको जो है दर्शन कराए। तो अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने घर परिवार के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अगर आप और भी अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब कल मैं जो है ऋषिकेश जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो ऋषिकेश का मिलेगा। तो बहुत ही जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मेरी ओर से आप सभी को जो है नमस्कार।